नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी न्यूज में। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 27 सितंबर यानी कि सोमवार को नर्मदापुरम आ रहे हैं। आपको बता देते हैं, उनके आगमन के कुछ घंटे पहले ही शहर में लगे असामाजिक तत्वों द्वारा फ्लैग्स और पोस्टर को फाड़ दिया गया, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता काफी ज्यादा गुस्साए नजर आए। नर्मदापुरम रेलवे ओवरब्रिज पर लगे फ्लैग्स में जिला अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार की फोटो से छेड़छाड़ कर उसे फाड़ दिया गया। पोस्टर फटने की जानकारी मिलते ही कुछ कांग्रेसी मौके पर पहुंचे, तो वहीं कोतवाली पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय ने इसे ओछी मानसिकता वाली हरकत बताया, जहां पर उनका कहना है कि जिस किसी ने भी किया है उसकी मानसिकता काफी ज्यादा ओछी है। कांग्रेस में माहौल से परेशान ये असामाजिक तत्वों की हरकत लगती है। वहां पर सोमवार को कांग्रेस के पदाधिकारी फैजान उल हक फैंस क्लब और हर्षित गुरु के एक एक फ्लैग्स लगे हुए दिखे। जिला अध्यक्ष के फ्लैग्स की जगह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के फ्लैग्स लगने को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हुई। आपको बता देते हैं, कांग्रेसी आपस में ही फ्लैग्स लगाने की होड़ मचाते रहे। इसके साथ ही मंगलवार सुबह लगाए हुए इन फ्लैग्स से छेड़छाड़ नजर आई, जहां पर किसी ने इन फ्लैग्स को बुरी तरीके से फाड़ दिया। ताजा खबरों के लिए बने रहें टीवी न्यूज में।